बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 2009 में उस वक्त के सांसद रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजनीतिक तौर पर किला को ध्वस्त करने वाले ओम प्रकाश यादव क्यों इस बार बेबस दिख रहे हैं? आखिर कौन है वो लोग जो ओम प्रकाश यादव के लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या इस बार भी सिवान लोकसभा का टिकट ओम प्रकाश यादव का नसीब नहीं होगी? दरअसल हाल ही में एक प्रोग्राम भाजपा के नेता व पूर्व मंत्री मंगल पांडे सिवान में रखे थे और देखते देखते उस प्रोग्राम में हजारों के संख्या में भीड़ जुटा दिए थे, लेकिन उस कार्यक्रम के तहत पूरे सिवान में होर्डिंग पर एक अगर कोई दिखाई दे रहा था तो वो थे मंगल पांडे। लेकिन अब लोग सवाल ये भी करने लगे हैं खुद से, क्या मंगल पांडे स्टेट के राजनीति छोड़कर दिल्ली के रुख करेंगे? और हाँ, दिल्ली के रुख करेंगे तो ओम प्रकाश यादव का क्या होगा? जब कुछ रोज पहले भाजपा के नेताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव के पुण्यतिथि पर अनुसूचित जाति के महापंचायत का आयोजन रखा गया था, उसी आयोजन में जब भाजपा के नेता अपने बयान को रख रहे थे तो ये साफ दिखने लगा था कि जो व्यक्ति 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़कर सिवान लोकसभा सीट पर काबिज हुए थे अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता मनोज सिंह से पूछा गया कि आगामी लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर तो खुद को और करणजीत सिंह उर्फ ब्या सिंह और मंगल पांडे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पार्टी तय करेगी कि सिवान में इन तीनों लोग में से कौन नेता को कहां सेट करना है। जब पूछा गया तो कि आप तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का नाम भूल गए, इस पर मनोज सिंह कहते दिखे कि वो तो 10 साल सांसद रह चुके हैं, उनका तबीयत भी खराब चल रहा है। जानकारी हो कि विगत कुछ दिन पहले ओम प्रकाश यादव का तबीयत अचानक बिगड़ गया था और वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता उनके सेहत को मुद्दा बनाकर टिकट से बेदखल करना चाहते हैं। हाल ही में ओम प्रकाश यादव ने यह स्वीकार किया है कि उन्हीं के पार्टी के विधायक उनके तबीयत का दुष्प्रचार प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि कहीं भी जा रहे हैं तो सुनने को मिल रहा है कि दरौंदा विधायक करणजीत सिंह लोगों से ये कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है, लेकिन अपनी सेहत को बेहतर तरह स्वस्थ होने के लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब तक के कई शादियों का न्योता भी ओम प्रकाश यादव गिनवा दिए हैं। लेकिन जिस तरह से सिवान में टिकट के लेकर नूरा किस्ती देखी जा रही है भाजपा के नेताओं में, वैसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस बार भाजपा सिवान में किसे उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन ओम प्रकाश यादव का टिकट का जो रास्ता है आसान नहीं दिख रहा है। बन रही है हमारे साथ, सिवान के राजनीतिक खबरों पर हमारी नज़रें टिकी हुई है। जैसे भी कोई खबर आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।